गाइस हमें एक और चीज मिल गया, पता है क्या मिल गया? सामने देखो जूली मिल गए। जूली लेते हैं क्या कहते हैं? हाँ कसम से यार, बचपन की थोड़ी हम। कौन सा बचपन? किस चीज का बचपन? क्यों तू अभी बड़ा आदमी बन गया? बहुत अभी तो बड़ा हूँ ना यार, कसम से। कोई बड़ा नहीं है भाई, तू अभी छोटा ही है। आज अभी जूले लेते हैं, आज आप पोटू बच्ची है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और ये व्लॉग होने वाला है म्यूजियम में। और वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करो, ठीक है? तो अभी तक चेंज वगैरह भी नहीं की, चेंज करनी है, उसके बाद बाइक को थोड़ा साफ करना है, उसके बाद निकलना है म्यूजियम की तरफ, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि जो बाइक है उसको थोड़ा साफ करके जाना है, ठीक है? तो चलते हैं, पहले बाइक को साफ करते हैं उसके बाद निकलते हैं, ठीक है? बाइक को थोड़ा सा या नहाना है या कपड़ा शपड़ा मार के बस थोड़ा सा साफ ही करना है, ठीक है? और ये देखो यार, बाइक की सफाई हो रही है, ठीक है? दोनों नहीं है इसको, हैं? तो हम जल्दी जल्दी अपनी रूम में जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है? कपड़े चेंज करके निकलते हैं। बाइक की सफाई हो रही है तो मैं अभी आया हूँ अपने रूम में, तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ, ठीक है? इजाज़त लेते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि जो लर्निंग का जो लेंसेस है वो इधर बनते हैं, तो थोड़ा जाता हूँ मैं, पूछता हूँ कि मेरा लर्निंग का जो लेंसेस है वो बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो फिर कुछ करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं यार, ये आगे ये कोई वो है, इधर लेंसेस वगैरह का टेस्टिंग वगैरह हो जाता है, इधर पूछते हैं कि भाई क्या कहते हैं, लेंसेस मेरा बन जाएगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जो आईडी कार्ड है वो अंडर 18 है। कितने उम्र तक बन जाएगा ये मेरा आईडी कार्ड वगैरह? देखो ना, स्पिनिंग वाला है वो बन जाता है। उम्र मेरे ज़्यादा है लेकिन वो स्टडी की वजह से मेरा उम्र घर वालों ने कम की है। अच्छा। तो इसमें लर्निंग वाला अगर बन सकते तो मेरा लेंसेस था, वो कहते हैं लर्निंग का बन जाएगा, ये पुलिस वाले ने बताया है, लेकिन वो कहते हैं फोटोकॉपी ले आओ, तब तक हम जाते हैं म्यूजियम, उधर से हम फिर आते हैं, फिर फोटोकॉपी लेके आते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं, मेरा लेंसेस बनता है या नहीं बनता, तो फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है? अभी के लिए हम जा रहे हैं, आ जा। म्यूजियम तो पहुंच गया, ठीक है? तो अभी अंदर जाते हैं, क्या सूरत हाल है? इधर चोरी हो जाती है? हाँ, एक बैठे हुए छीन लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ से नीचे खड़ा करो, ठीक है? जरा अंकल जी बोल रहे हैं इधर बाइक चोरी हो जाता है, तो मैंने कहा जाओ नीचे खड़ा करो यार, क्या चोरी होगा तो बैठे हुआ छीन लेते हैं। अच्छा अल्लाह के बंदे, म्यूजियम के सामने हॉस्पिटल है, बाइक इधर नीचे खड़ा कर। वो अंदर म्यूजियम में तो कोई पार्किंग वाला जगह नहीं था, इधर था तो इधर मैंने खड़ा कर दिया बाइक। भाई ने कहा कि बस ये टिकट वगैरह दे दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर आते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं, मेरा दोस्त भी है, मैं 12 साल से पीछे टेलीनार में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब टेलीनार में कोई सिम सेल आउट नहीं हो रही, वैसे ना ही कोई क्रिकेट में कोई मज़ा रहा है, पाकिस्तान बार बार हार रहा है, किसी चीज़ को तवज्जो नहीं रही। और ये सामने मेरे दोस्त खड़े हैं जिसकी शादी तैयार है, मेरी कोशिश है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएँ तो मैं इसका वलीमा में कुछ शेयरिंग डाल दूँ, ये भी मेरे भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। चैनल को, चैनल का क्या नाम है सर? रोनी स्टार चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और देखें, आपको इंशाल्लाह इसमें कुछ बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी, हमेशा के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और इसकी हेल्प आउट करें। इसमें मेरे दोस्त से भी बात करें, वो भी बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
यार पहले तो ऐसे लगे जैसे म्यूजियम बंद हो, उधर से गेट देखे ये नजर नहीं आ रहा था, तो शुक्र है गेट खुला हुआ है, तो अभी अंदर जाते हैं यार हम आपको म्यूजियम चेक कराने को। 3 टिकट मिल गए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके सोके। ठीक है अब हमारा रवाना हो गया। ठीक है यार इधर ऐसे लग रहा है कोई स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ है यार। जिन्हें बहुत बोले बोले है। हाँ टिकट किसको देने ठीक है अंदर आओ जी अंदर आओ। टिकट किसको दे दे अंकल जी। ये पुराने जमाने के ये ऊपर देखो किसान की फार्मर स्कूल से ये अटल वाला नहीं है। अच्छा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तोतो का घर हो, लेकिन कोई नहीं आगे देखते हैं यार तोतो का घर। ये देखो मटके पटके पड़े ये पहले जमाने की जो चीज़ें हैं ना वो है। ठीक है ये पहले जमाने के है ये सामान है बर्तन। ये देखो छोटी छोटी ये पिचकिस है इधर आ पिचकिस दे क्या चीज़ है ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये स्तर पर तरह वाले वाला तरह अच्छा ये देखो जी भगवानी की गद्दी फ्रांस हाँ ना वैसे टांगे मांगे घोड़े ये भी आए गदा गाड़ी। हाँ ये नीचे गदा गाड़ी देखो गाड़ी गदा उसके बाद ये छोटा छोटा सामान पड़ा हुआ है पिल वाला फुकर किधर है ये जो पहले जमाने के वो लोग गले में डाल के पहनते थे वो लीटर का सिस्टम है ना पहले जो तेल वगैरह नापते थे ना वो इसी में नापते थे। ठीक है ऊपर लिखा हुआ है तेल वगैरह नापने का तरीका वो पैमाने। ठीक है ब्रदर्स मोबाइल में भी क्यों क्यों ये पकी में टाइप दवाई उसके बाद समझ ठीक है कासिम की खोपड़ी है देखो ये चीज़ें हमने इतने संभाल के रखी है। ठीक है देखो ये बाद ये अभी ये तो सामान वगैरह है वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भगवान वगैरह वो तो उधर है जो इनकी जो खुदा है जो पहले लोग जो मानते थे जिनको पहले लोग जो मानते थे ना वो खुदा वगैरह ये लोग इधर कुछ देख रहे दोस्त वगैरह क्या देख रहे हो आप लोग। हम यहाँ अंगूठियाँ पसंद करें कि कौन सी अच्छी है। अच्छा ये लोग इधर अंगूठियाँ है आप लोगों को हम नक्शा दिखाते हैं ये देखो ये पहले ज़माने का नक्शा। ठीक है थोड़ा दूर से दिखाता हूँ ये जो है ना ये पहले ज़माने का नक्शा है इसके आप लोग देख सकते हो मैं हर एंगल से दिखाता हूँ ये जो पहले ज़माने का जूता ना ये देखो ये ऐसा होता था तो ये जो है ये वो है जो मतलब वो इनकी औरतें वगैरह वो पहनती थी वो चीज़ें मर्द भी शायद पहनते हो जो लिखा हुआ है ये देखो ये मैं लिखा इसलिए साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है ये हो
है बड़ा, इसको देखो ये है बड़ा, इससे बड़ी भी है, ये देखो इनकी साइड में, इनकी साइड में ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, कुछ ये भी है, ये देखो देखो इतनी हिफाजत से रखे हैं इनको, ये बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इनकी मैंने नाम नहीं बताया आपको, ये बड़े का क्या नाम है, सब्र करो, ये बड़े का नाम आपको पढ़वाता हूँ, ये देखो गौतम बुद्ध, ठीक है, ये फोर्थ, ये जो है ना फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी की है, ठीक है, ये पहले ज़माने की पत्थर्स हैं, ठीक है, ये देखो ये कुछ के हेड्स वगैरह है, ठीक है, ये बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इनका यहाँ पर पड़े हुए, इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, छूने के बहुत अच्छा, ये छूने से बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये यार इधर कौन कौन आया हुआ है थोड़ा कमेंट करो यार, हम भी देखें कि इधर कौन कौन आया हुआ है, देखो यार इतनी हिफाजत से इनको रखा हुआ है। गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया है कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है ना, ये देखो यार, ये हर चीज़ मतलब पड़ी हुई है, ये शीशे में बिल्कुल बंद है, ठीक है, ये पीछे देखो, ये तो अरे भगवान ही है, ठीक है, उसके बाद ये कुछ नक्शा सा बना हुआ है, नक्शे को देखो, अच्छा उसके बाद ये है, ये गौतम पर चार नोट पढ़ो, और ये देखो, ठीक है, और ये कुछ ऐसे करके हाथ भी पकड़, मतलब जो है मुख्तलिफ किसी ने कैसे हाथ पकड़े, अब इसको देखो और ऊपर वाले के हाथ देखो, अजीब मतलब अपना रस्म है इनका, ठीक है, तो ये देखो ये स्टील का हुआ है, ये स्टील का है, ठीक है, ये वाला जो है ये स्टील का है, ये स्टील का है, ये लोग इधर अपने लगे हुए हैं, जैसे ये अलग आए हो, अच्छा ये देखो यार, ये देखो ये बड़ा सही चीज़ है, ये है ना, छोड़ो यार, ये देखो, ये लोग छिपकलियों को देखो, इधर छिपकलियाँ नजर आ रही है, नीचे जो कीमती चीजें है वो नजर नहीं आ रही, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, इन दोनों को बस ये आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करेंगे ना यार, हमारे जो व्यूअर है वो सपोर्ट ही करेंगे, सपोर्ट के लिए बैठे, ये हेड्स हैं, ये क्या हुआ है पता नहीं, ऐसी ब्लैक सब, चलो ये देखो सेट इमेज ऑफ बूथ, ये बूथ का कोई सेट इमेज है, ठीक है, ये हेड्स है, अच्छा गाइस मैंने आप लोगों को जो म्यूजियम था ना वो मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो कि इधर कौन कौन आया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों को कैसा लगे ये म्यूजियम, ठीक है, तो म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा मुझे बता देना, ठीक है, और वो जो अंकल की जो वीडियो डाली थी वो अंकल ने कहा थोड़ा मैं बोलना चाहता, तो मैंने कहा ठीक है बोल दो कोई मसला नहीं है, तो इसलिए मैंने वो भी बीच में ऐड किया, ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा है म्यूजियम, अच्छा लगा है, अच्छा नहीं तो, लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का ठंड मौसम है, कसम से सर्दी लग गई, मैं तो शॉर्ट में, वाह क्या सीन है और एक बात और, बहुत सुकून है, बहुत खामोशी है, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रहा, सिर्फ इस तरह आवाज़ आ रहा है, कोई लाइट लाइट सब कुछ, ये कोई चीज़ पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है यार, ए सी लग रहा है मुझे,
ये इसका कोई बंदोबस्त करो, यही चीज है। अच्छा ये भाई लोग है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, हाँ कमेंट इसकी करो। बात मानो यार, प्लीज इसकी बात मानो। अच्छा तो हम अभी बस थोड़ी देर इधर बैठ जाते हैं, जब निकलते हैं तो फिर आपको बाहर का जगह भी दिखा देते हैं, ठीक है? तो यार प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। और एक और बात, आप लोग व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं यार, थोड़े से लाइक्स किया करो, ठीक है? चलो तो अभी हम थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद हम फिर इधर से जब निकलते हैं तो फिर और वेट करते हैं, ठीक है? पुराने जमाने के जहाँ पर लोग नहाया करते थे, वो ये है जो दूध से नहा देते, जो व्यूअर्स है ना वो खुद पढ़ लेंगे इस पर, इस पे भी नक्शे बनेंगे। और ये जो नक्शे है तो उधर ये उधर पड़े हुए हैं, जो म्यूजियम में होता है ना ये उधर का जो। ये तूफान ही आ गया था, ये उधर वो जगह है वो मैंने देखा हुआ है, ये वो वाला है। अच्छा ये दूसरा चीज़ है? नहीं है दूसरा जो भूल गया था यार। ये गाइस ये कोई पता नहीं, इस पे सेकंड थर्ड सेंचुरी है, फर्स्ट सेकंड, और इस पे क्या हुआ है सेकंड सेंचुरी है, ठीक ये है? जो पुराने जमाने की दीवारें होती थी ना इसी तरह बनती थी, पत्थर से बनती है। अभी तोड़ दिया, ये चांदी के शायद बहुत कीमती है लग रही है। नहीं यार लग तो नहीं है। अच्छा हाँ शायद चेक, ये पुराने जमाने की रानी है। रानी नहीं, यही वो कल्चर हुआ करता था ना। चांदी के बर्तन है जरा, ठीक है चीज़ है अच्छे। दर्जुम की मम्मी पीली लगा, ये कॉइन है यार, इसका क्या स्पेट है, मुझे रस्सी छेड़ नहीं गई सलाह होना था, चंदी है सामान जैसी, सोने चांदी के कॉइन्स है ना ये, शायद चंदी के ये इस पे तो टेम्पीज बना हुए हैं, ये टेम्पीज हो यार। ये चेक कर, बीच में वो है गाय है ये 13 रुपए है एक के दिया, और ये 14 रुपए। ये देखो यार अजीब है यार, ये 19 रुपए। इस पे सिपाही का तस्वीर बना हुआ है, ये देखो इस पे कोई, और हमारे इधर के जाजम का बना हुआ था। ये पढ़ा हो यार व्यूअर्स को, यार ये व्यूअर्स आप खुद पढ़ लो, हमारा इतना मगज नहीं है हमारा इतना मगज नहीं है आप लोगों ने। ए ये देख यार, ये देख इसने ये कितना पढ़ा रखा है वो। That's it. मांस की गोल ये कमाल का बुस्केट है कैमरा रहता होगा, कैमरा रहता। तो गाइस आप लोगों की आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगे, अगर अच्छा लगे ना तो बता देना यार, मैंने बहुत शानदार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दी है। ये नहीं कर सकता चाचा ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा एक्सप्लेनेशन। हाँ अब मैं ही कर रहा हूँ, मुझे तो मैं पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? जितना मुझे समझ आते हैं मैं आप लोगों को उतना समझा रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि मैं सही समझा रहा हूँ या सही नहीं समझा रहा, ठीक है? गाइस लोग आप लोगों ने विज़िट कर दिया है यार, हम आप लोगों को सेल करवा दिया है, इसी मज़ीद जो है ना वो हमसे नहीं हो सकता एक्सप्लेनेशन। और अब और क्या समझाए बस ना, चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ दादा जी अंदर साड़ी यार, ये पुराने जमाने
ये सड़क है और ये पानी है, ये पानी है, वो सड़क है, ये पहाड़ है, ये केटू माउंटेन है। ओ भाई केटू माउंटेन कहाँ से आ गया है? चलो बाहर चलते हैं, बस इधर का फिनिश करना का। अंकल जी यार गाइस हम इधर बाहर आ गए यार, इधर कोई स्कूल का टूर भी आया हुआ है करक से, तो यार पठान लोग हैं, हम भी पठान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनसे थोड़ा पूछते हैं कि आप लोग इधर क्यों आए हो, क्या मतलब क्या देखने आए हो? हमें तो बड़ी तरक्की कर दी था जो तुम लोग इधर आए हो। तो ये जो था ये बाहर का सारा नज़ारा था यार, ये बाहर तो वो यार ये गर्मी में इसलिए आया क्योंकि वो दिन में वो बंद हो जाता है, सॉरी शाम को। गाइस हमें एक और चीज़ मिल गया, पता है क्या मिल गया? सामने देखो झूले मिल गए, झूले लेते हैं क्या कहते हैं? हाँ कसम से यार, बचपन की थोड़ी हम। कौन सा बचपन? किस चीज का बचपन? क्यों तू अभी बड़ा आदमी बन गया? वो अभी तो बड़ा हूँ ना यार, कसम से। कोई बड़ा नहीं है भाई, तू अभी छोटा ही है, आज अभी झूले लेते हैं, आज आप फोटो बच्ची है। अच्छा ये दोस्तों ने फोटो शूट करना था, वो तो हो गया, अभी जा रहा है मौज मस्ती। क्या हाल है? ठीक ये तो बहुत है, बचपन की टिकट में 20 रुपए। हाँ ये किस तरह दरख्त है? अच्छा मुना जोड़ा का रखी का दादा, तुम मौज मस्ती करो। गए जमाए थे म्यूजियम और म्यूजियम एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब कुछ हमारा ये हाल हो रहा है, मोबाइल का शॉर्ट फिरने के लिए टका। ये जो लड़ गया ना ये बहुत जोश और होश में आता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा पीछे रहो यार। अच्छा बढ़ गया, लग स्लाइड करो शाम स्लाइड स्लाइड। दिस इसको पश्तो में बोलते हैं गरिंजा मत पंजाबी, आप नहीं पंजाबी में क्या बोलते हैं? उर्दू स्पीकिंग क्या बोलते होंगे ये तो मुझे भी पता है। अप डाउन आप लोगों को पता है, ये वापस ऊपर नहीं ये बात हो गई। याद है ये सब अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। थ्रोश करना स्लाइड हुआ गंदा दे ना दे सपोर्ट से। बस 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 जपदार लगी दो हर साहब मुझे नहीं आया मो सार मख्त लगी दलो अच्छा जो था ना वो म्यूजियम का वो तो इधर ही बस फिनिश हो रहे हैं, ये हमारे जो घर का टाइम हो गया बस ठीक है। हाँ ये यासिर साहब है ना, इसने तस्वीरें वगैरह ले ली है, वो मैं है रहा थोड़ा सा वीडियो के बीच में शो करवा दूँ। बाकी बस मज़ा आया या नहीं आया यार, वीडियो में बहुत मेहनत लगे ठीक है यार, बस चलते हैं छोड़ो आ जाओ। तस्वीरें आज के लिए बहुत ज़्यादा लिए है, काफ़ी है इतनी तस्वीरें, क्योंकि इतनी तस्वीरें तो मैंने पूरे साल में भी नहीं लिए जितने आज हमने लिए हैं। इधर अंकल बैठा हुआ है सामने, बालो खराब हो सड़ गया। हाँ बालो खबर। तो गाइस अब सिस्टम कुछ ऐसा है ना कि हम इधर बैठ गए, मेरा कज़न गए बाइक लेने, तो हम म्यूजियम से बाहर आए हैं ठीक है, तो पीछे रिश्के में तो कोई है तो नहीं है? नहीं है। अच्छा वो आंटी छोड़ो उसका। अच्छा तो हमारा जो व्लॉग था ना वो तो इतना ही था ठीक है,
और बाकी यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, अगर ना भी अच्छा लगा हो फिर भी कर दो। तो कसीद कुछ कहना चाहते हो बस व्लॉग का? मेरे लिए तो बड़ा मज़ा आया कसम से। देखो इसको भी मज़ा आया लेकिन आप लोगों को क्यों मज़ा नहीं आया, आप लोग कमेंट में बताओ मज़ा आया या नहीं। चलो गुड बाय, गुड बाय।